देखो आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्ट्रेटजी, कैसे कैसे हम तैयारी करें कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आए। बहुत तो सही। सबसे पहले लेटर राइटिंग की बात करते हैं। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग हमारा 10 नंबर का पूछता है, 10 नंबर का। तो पहला टॉपिक तो कंफर्म है, बिल्कुल मस्ट है, आना है तो आना है। दूसरे की बात करें, कन्वेंशन, जो कन्वेंशन होता है इसको कहते हैं प्रतीक या सिंबल। इसमें पांच कोई सिंबल आते हैं, पांच सिंबल, वो भी 5 नंबर के। ठीक है, अगला आता है स्केल। ये ऐसे टॉपिक हैं ये जो बिल्कुल पूछे जाते हैं। जैसे स्केल है हमारी, स्केल में दो हो गई, एक तो डायगनल और एक तो सिंपल। प्लेन स्केल, प्लेन या सिंपल स्केल या डायगनल। कई बार होता है हमारे एग्जाम में प्लेन ही स्केल 10 नंबर की पूछ ली जाती है। वैसे एक्चुअल में इसकी मार्किंग प्लेन स्केल की 5 नंबर की होती है, लेकिन अब ये भी 10 नंबर की आती है, डायगनल 10 नंबर की। तो हम ये दोनों को मान लेते हैं, ये कितने की आती है, 10 नंबर की। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है स्केल के बाद है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ये 5 नंबर का आता है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल पक्का है, आना है तो आना, ये इतने जो टॉपिक हैं बिल्कुल मस्ट हैं, आने हैं तो आने हैं। अब अगला 6 और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन,